नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार सोनी। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। दूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा ग्रामीण उल्टी दस्त की चपेट में। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा नगर में 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नरगुवा डांगा गांव में 2 दिन से पूर्व गांव दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त की चपेट में आ गया है। अचानक उल्टी दस्त होने से गाँव के लोगों को तुरंत 108 की मदद से तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां बीमार ग्रामीणों एवं गांव का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में 50 से अधिक लोग उल्टी दस्त से ग्रसित हैं। गांव के लोगों ने बताया कि गांव में मात्र 2 हैंडपंप हैं, जो बहुत समय से बंद पड़े हैं। नाला व कुएं का दूषित पानी पीना पड़ रहा है, पानी की समस्या है। दूषित पानी के पीने के 3 से 4 दिनों में यह उल्टी दस्त से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जैसे ही जानकारी लगी तो स्वास्थ्य विभाग की टीम नरगुवा गांव पहुंची, और जहां पर डॉक्टर द्वारा गांव के लोगों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि नरगुवा गांव आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। यह आदिवासी निवासरत है, जिनकी संख्या 250 से 300 करीब है। तेंदुखेड़ा से विशाल रजक की रिपोर्ट। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो तुम बताओ ना। मैं चारा चले गए थे। चल 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 बैठ। चल धारे जा। उल्टी दस्त को क्यों नहीं हो रहा? उल्टी मुझे दस्त बार हो रहा। हाँ तो भाई पूछ रहा है, उल्टी दस्त वाले पहले आओ, है ना? बुखार वाले थोड़ी रुक के आता हूँ। अरे ठाकुर साहब, उधर की तो ले ही जा रहे हैं, अब भी केरे गांव की ओर ला पहले। पोल खोल पोस्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट आपको समय समय पर